हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने टीचिंग एप्टीट्यूड का 18वां पार्ट। ऑलरेडी हमने 17 पार्ट डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 230 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, तो जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए, जो आपके जितने भी टेट के एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप उसे देखना ना भूलें, एक बार उसे भी देख लीजिए। और जो आज डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा खास करके NVS के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम आपको इसी मंथ में होगा, इस मंथ का लास्ट वीक में। तो टाइम की कमी को देखते हुए तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, खास करके NVS के लिए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है डेवी के अनुसार शिक्षा एक, यानी कि जो हमारे डेवी जी थे उनके अनुसार शिक्षा क्या है? सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तित्व आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है या सैद्धांतिक आवश्यकता है? तो जो डेवी जी थे उनका मानना था कि जो शिक्षा है वो एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है खेल के माध्यम से शिक्षा, यानी कि जब हम किसी को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देते हैं तो वो किस प्रकार की शिक्षा होती है? मनोवैज्ञानिक शिक्षा होती है, अमनोवैज्ञानिक शिक्षा होती है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है या समूह प्रवृत्ति को दबाती है? देखिए, खेल खेल में शिक्षा दे रहे हैं तो दबाने वाला दोनों सेंस तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, अमनोवैज्ञानिक भी नहीं होगा, तो बच गया मनोवैज्ञानिक। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप एलिमेंट मेथड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किस किस का यूज़ नहीं होगा, किस किस को आपको स्केप करना है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि क्या होगा सो आंसर। अगला क्वेश्चन है शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है, यानी कि जो शिक्षा में जो खेल विधि होता है उसका क्या अर्थ होता है, यानी कि प्ले वे मेथड क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो प्ले वे मेथड क्या होता है? प्ले वे मेथड में कहा जाता है कि बच्चों को खेल के द्वारा सिखाना, यानी कि खेल की क्रियाओं के द्वारा शिक्षा देना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर परफेक्ट होगा, जिसमें लिखा हुआ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। ठीक है, यही कहता है हमारा प्ले वे मेथड का रूल है। अगला है पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्र के बारे में क्या पता हो, यानी कि पाठ योजना बनाना है, यानी कि आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ पढ़ाना है, कुछ लेसन के बारे में आपको बताना है स्टूडेंट्स को, तो एक टीचर को क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के बारे में? तो टीचर को क्या पता होना चाहिए, ऑप्शंस देखते हैं। छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। अगला है विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, जी हाँ, क्योंकि अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, सभी को अलग अलग मेथड का रिक्वायरमेंट होता है पढ़ाने का। शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, एक टीचर को पाठ योजना बनाने के लिए उसे इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगला क्वेश्चन है अभ्यास से क्या होता है, यानी कि जब कोई स्टूडेंट्स बार बार प्रैक्टिस करता है तो उससे क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान इंद्रियों का परीक्षण होता है, याद होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। देखिए, जब कोई स्टूडेंट बार बार प्रैक्टिस करता है तो उससे क्या होता है, ज्ञान इंद्रियों का परीक्षण होता है, यानी कि ज्ञान इंद्रियाँ जो होती हैं वो तेज हो जाती है। ठीक है, उनमें विकास होता है। ज्ञान इंद्रियाँ आपके क्या क्या होती है? बहुत सारी ज्ञान इंद्रियाँ होती है, खास करके आपके आँख, नाक, मुँह, कान, ये सब भी एक ज्ञान इंद्रियों का एक पार्ट है। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, विकास होता है, और इन सब में खास करके आप यहाँ पर बुद्धि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्ञान इंद्रियों का पार्ट वो भी एक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवता, यानी कि छात्रों के आवेगों यानी कि जो भी उनके जो इमोशंस, जो भी उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आ रही है, अगर उसको दमन करते हैं, यानी जब उसको दबाते हैं, तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, वे अनुशासन मानने लगते हैं, यानी कि अगर आप टीचर, अगर आप स्टूडेंट्स के जो भी दिमाग में थिंक चल रहे हैं, जो जो नया आइडियाज आ रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, दबाने से वो अनुशासन मानने लगेंगे? जी नहीं, वो अनुशासन नहीं मानेंगे। अगला ऑप्शन है उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है, जी हाँ, वो आपसे विद्रोह करने लगेंगे क्योंकि आप उनकी बातों को काट रहे हैं इसीलिए। अगला ऑप्शन है उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, आप उनकी क्रिएटिविटी को अगर दबाएंगे तो वो क्या होगा, सोचने की ताकत उनकी कम होती जाएगी और वो बैठता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, यानी कि बी और सी दोनों हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में परियोजनावाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था, यानी कि जो टीचिंग में हमारा जो परियोजनावाद का विचारधारा है वो किसने दिया था, किल पैट्रिक जी ने, पेस्ट्रोलॉजी जी ने, विलियम जेम्स ने या
जॉन डीवी ने। तो ये किसने दिया था? ये दिया था हमारा विलियम जेम्स ने। इनका मानना था कि शिक्षा जो है वो परियोजनावाद के थ्रू से दी जाती है, ठीक है, इनका ये मानना, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा की डाल्टन विधि, ठेका विधि या प्रयोगशाला विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? देखिए ये तीनों नाम आपको याद रखने, इसलिए मैंने तीनों नाम एक ही बार ले लिया है आपका। ये जो डाल्टन विधि है, ठेका विधि है और प्रयोगशाला विधि है, ये तीनों एक ही नाम के होते हैं। और तीनों को किसने स्टार्ट किया था? पार्क हर्स्ट ने स्टार्ट किया था। तो आपको ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में आपसे डाल्टन पूछे, ठेका पूछे या प्रयोगशाला पूछे, तीनों एक ही काम होते हैं। आपसे अगर ये पूछा था, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि डाल्टन ठेका होता क्या है। जैसे कि टीचर इसमें क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को एक चार्ट बनाते हैं और उसमें वो एक स्टूडेंट्स को क्या क्या काम करना है उसका लिस्ट तैयार कर लेते हैं और स्टूडेंट को बोलते हैं ये काम आपको अपने से करके लाना है एक विद इन टाइम पीरियड के अंतर्गत। इसमें टीचर का काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और स्टूडेंट अपना पढ़ाई या अपना जो काम है वो खुद से करते हैं, इसमें टीचर की कोई हेल्प नहीं करता है। जब वो अपना काम कर लेते हैं तो वो टीचर को लाके रिपोर्ट दिखलाते हैं कि सर हमने ऐसा ऐसा काम किया, आप उसे चेक कीजिए। तो यही कहलाता है हमारा ठेका विधि या डाल्टन विधि। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि डाल्टन विधि क्या होता है। सो अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि शिक्षा में जो मनोविज्ञान दिया था उसके जनक कौन थे? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको नाम याद रखना है। ये हमारे हर्बर्ट जी ने, ठीक है, हर्बर्ट जी ने दिया था क्या, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? यानी कि जो टीचर बच्चों जैसा होगा वही बच्चों के लिए सबसे अच्छा टीचर होगा, ये किसका कहना था? मैकनिन जी का, अरस्तू जी का, रूसो जी का या जॉन लॉक जी का? तो ये कहना था हमारा मैकनिन जी का। मैकनिन जी का मानना था कि जो टीचर होने चाहिए वो बच्चों की तरह ही हंसते खेलते रहने वाले होने चाहिए ताकि वो बच्चों को आराम से पढ़ा सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। देखिए यहाँ पर सबसे शक्तिशाली बाधा, यानी कि ये सारे आपके बाधा ही हैं, लेकिन आपको बताना है यहाँ पर क्या सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होगी। बाहरी हस्तक्षेप, जी हाँ ये बाधा तो है, मैंने आपको पहले ही बताया ये सारे के सारे बाधा हैं, ठीक है, बट आपको बताना है सबसे शक्तिशाली। चलिए देखते हैं ऑप्शन सारे। बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षक के स्तर का अभाव और कक्षा में शोरगुल। देखिए संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा अभाव तब होगा जब एक शिक्षक का स्तर का अभाव होगा, यानी कि शिक्षक के स्तर का अभाव कहने का मतलब है एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि क्लास को कैसे मेंटेन करना है, कैसे कम्युनिकेशन उनके बीच करना है। अगर ये उनको पता होता है तो वो अच्छे से कर लेंगे, और अगर वो नहीं है पता है उनको तो वो अच्छे तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, एक शिक्षक का रोल यानी कि एक टीचर का रोल, वो डिपेंड करेगा कि कम्युनिकेशन किस तरह होना चाहिए और उसका क्या रिजल्ट आएगा। सो अगला क्वेश्चन है, प्रभावकारी शिक्षण फलन है, यानी कि एक शिक्षण फलन जो है वो प्रभावकारी कब होगा, यानी कि एक शिक्षण प्रभावकारी कब होगा वो आपको बताना है। तो यह तभी आपका प्रभावकारी होगा जब ये स्पष्ट हो और जो भी इसके तथ्य हैं वो पूरे क्लियर हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपके जो भी आप समझाना चाहते हैं या जो भी पढ़ाना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स को आराम से समझ में आए और आप जो बोल रहे हैं वो भी उनके दिमाग में घुसना चाहिए, यानी कि धंसना चाहिए। सिंपल सी भाषा में मैं बोलूँ तो उनके दिमाग में ये घुस जाना चाहिए जो भी समझा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको ये अच्छा लगेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऑफकोर्स आप इसे डिसलाइक मारेंगे, बट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक मार दीजिएगा। यही होता है एक प्रभावी शिक्षण का फलन, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लाइक मारते हैं, तो लाइक इसलिए मारते हैं क्योंकि उन्हें टीचिंग अच्छा लगा। तो जो लाइक मारते हैं उनका मतलब होता है इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके रियलिटी लाइफ से जुड़े हुए हैं, उनको उसी तरह हैंडल कीजिए, बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, मातृभाषा में, अंग्रेजी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में या राष्ट्रीय भाषा में? तो छोटे बच्चों के लिए होना चाहिए मातृभाषा। मातृभाषा में उन्हें ज्ञान देने से उन्हें लगेगा क्या कि वो अपने नॉर्मल माहौल में क्या रहे नॉलेज ले रहे हैं और वो आराम से उसको प्राप्त कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी कि आपको क्या पढ़ाना है, मैथ पढ़ाना है, तो मैथ पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा जो आपका जो टीचिंग मेथड होगा या टीचिंग जो भी आप तरीका अपनाएंगे वो कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो जो वो होगा एग्लोरिदम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, एल्गोरिथम का आप यूज़ करेंगे किसके लिए, मैथ पढ़ाने के लिए। आपको ये याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, जो अक्सर देखने को मिलता है। और आज के सेशन का चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, मतलब जो कुछ उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो वो काम करने का मेन रीज़न क्या है, आपसे वो पूछा जा रहा है। आवश्यकताओं की पूर्ति का ना होना, मानसिक मंदता होना या समायोजन, यानी और लास्ट है आपका ये सभी। तो जी हाँ, ये सभी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी के प्रॉब्लम से ही बच्चा क्या होता है, एक आपराधिक प्रवृत्ति में चला जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी नए बंदे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हो सकता है एक या दो दिन में NVS के प्रीवियस ईयर का जो आपका पेडागोजी का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चंस हुआ था, मैं वो भी आपके लिए लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।